बहराइच जिले के करतनिया घाट वन्य जीव प्रभाग क्षेत्र में वन्य जीवों की हो रही रहस्यमय मौत पर ग्रामीणों में चर्चा गर्म हो गई है। क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। इसी जनवरी महीने में नवागत डीएफओ वी शिवशंकर के कार्यभार संभालने के बाद दो तेंदुए और एक बाघ की मौत हो चुकी है, लेकिन मौत का कारण स्पष्ट नहीं चल सका है, जिससे लोग संदिग्धता जता रहे हैं। इसी महीने कतरनिया घाट में एक बाघ और एक तेंदुए की मौत के बाद शनिवार सुबह मूर्तिहार रेंज के लाल बोझा चमारन पुरबा पास खेत में संदिग्ध परिस्थितियों में तेंदुए का शव बरामद हुआ। वहीं मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने तेंदुए के शव को कब्जे में ले लिया है। क्षेत्र व आसपास के सैकड़ों ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे। आज हमारे मूर्तिहार रेंज में समरी घटाई पीठ में और नयापुरवा गांव में सुबह 9:30 बजे हमको इन्फॉर्मेशन मिला है कि एक तेंदुए की लाश मिली है। और जैसे इन्फॉर्मेशन मिलते हुए हमने हमारे रेंज ऑफिसर और एसडीओ को ऑर्डर दिया है कि तत्काल मौके पे पहुँचे और एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दीजिए। और उसके इन्फॉर्मेशन बाद हम खुद मौके पे पहुँचे और पता चला कि वहाँ पे उसका उम्र 6-7 साल है और एक फीमेल है। और जहाँ पे उसकी लाश मिली है वहाँ से बस 5 से 10 मीटर से बगल में ही एक कुत्ते की भी लाश मिली है। तो हमने तत्काल उसका निरीक्षण करवाया वेट डॉक्टर से और हमने ये उसका पोस्टमार्टम के लिए हमने हमारे एफडी सर ललित वर्मा सर को इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर दिया। सर ने भी तत्काल हमको ऑर्डर दे दिया कि उसका पोस्टमार्टम किया जाए और उसका जो भी रिजल्ट है उसका ऊपर उसका विसरा IVRI को भेज के। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।